नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे 2022 मारुति वैगनार सीएनजी वीएक्सआई सीएनजी के बारे में, जिसकी एक शोरूम कीमत है 6.86 लाख रुपीज़। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि वैगनार वीएक्सआई सीएनजी के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद ये एक अपग्रेड यहाँ पे मारुति ने किया। इससे पहले जो वैगनार के अंदर सीएनजी आपको मिलती थी वो सिर्फ एलएक्सआई वेरिएंट के अंदर मिलती थी, अब इसकी जो कीमत है वो एलएक्सआई से वीएक्सआई सीएनजी में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 44,000 रुपीज़ की। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो, सारे फीचर्स आपको बताऊंगा मैं, एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें आपको वैगनार के अंदर मिलती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी भी मिलती है, 55 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है और 82 Nm का टॉर्क। सेफ्टी के अंदर आपको इसमें 2 एयरबैग्स ABS EBD जैसे फीचर्स मिलते हैं और कोई भी इंसुलेशन जो है वो आप देख सकते हैं हुड के नीचे आपको दोस्तों यहाँ पे नहीं मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन हेडलाइट्स मिलती हैं, हेलोजन आपको मिलते हैं यहाँ पे इंडिकेटर, और नीचे कोई भी आपको फोक लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं क्रोम का यहाँ पे यूज़ किया गया है और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मारुति का लोगो है। बात करें अगर इसकी साइड प्रोफाइल की, तो जो यहाँ पे अपग्रेड है वो है इसके टायर साइज़ का। एलएक्सआई के अंदर आपको 13 इंच के टायर्स मिलते थे, बट वीएक्सआई के अंदर आपको मिलते हैं 14 इंच के टायर, 165/70 R14 आपको इनकी प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट के दोनों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक और रियर टायर में आपको मिलती है ड्रम ब्रेक्स, और ये जो आपके यहाँ पे स्टील व्हील्स हैं इनके साथ कंपनी फिटेड ही आपको मिलते हैं व्हील कैप्स जो भी गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। फेंडर के ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया है इंडिकेटर। बॉडी कलर आपको मिलते हैं ORVMs, जिनको आप इलेक्ट्रिकली भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर में ही यहाँ पे मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल मिलती है। जो गाड़ी का वजन है यानी कि कर्व वेट वो है 910 kg से लेकर 920 kg, यानी कि 910 किलो की ये गाड़ी लगभग है। तो कुछ इस तरीके से देखने में यहाँ पे आपको लगती है वैगनार वीएक्सआई सीएनजी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीएनजी की जो ब्रांडिंग है वो भी कर रखी है। बैक ग्लास के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको दिया गया है हेलोजन हाई माउंट स्टॉप लैंप, और बैक ग्लास के अंदर आपको कोई भी डिफोगर या वाइपर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। हेलोजन में ही आपको गाड़ी के अंदर मिलती है टेल लाइट्स जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की हैं, और बैक बम्पर के अंदर आपको मिलते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और नीचे आपको दोनों ही साइड्स दिए गए हैं रिफ्लेक्टर्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर आपको जो यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है वो, यहीं से आप अपनी गाड़ी के अंदर जो सीएनजी है वो भी फिल करा सकते हैं। तो जो पेट्रोल का नोजल आपको मिलता है यहीं पे आपको सीएनजी फिलिंग का भी नोजल जो है गाड़ी के अंदर मिलता है। 60 kg इसकी यहाँ पे वाटर कैपेसिटी है सिलेंडर की, जिसके अंदर जो सर्दियों के अंदर मैक्सिमम गैस आती है वो आती है 8.5 kg तक, और कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी का सीएनजी के अंदर 34.05 km/kg सीएनजी का माइलेज, जो कि काफ़ी अच्छा माइलेज दोस्तों यहाँ पे है। तो ये सभी फीचर्स थे एक्सटीरियर के। अब चलते हैं इंटीरियर में, उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखाता हूँ। अब आपको इस गाड़ी के अंदर रिमोट सेंटर लॉकिंग का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि दोनों कीज़ के अंदर आपको मिलता है। 2 बटन्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं लॉक अनलॉक, तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो आवाज़ है वो आती है। अभी चलते हैं इंटीरियर की तरफ। ये दोस्तों इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर है, कम्प्लीटली आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे डोर देखने को मिलता है। चारों ही पावर विंडोज़ के यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। जो ड्राइवर साइड विंडो है ये आपकी 1 टच डाउन है, बट 1 टच अप ये नहीं है, यहीं से आप डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और ORVMs को आप यहीं से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सिल्वर फिनिशिंग में आपको मिलता है डोर ओपनर, नीचे की साइड आपको स्पीकर मिलता है, डोर पॉकेट का स्पेस, वोटर होल्डर का स्पेस। कुछ इस तरीके की आपको मिलती हैं फ्रंट की दोनों सीट्स, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, फिक्स आपको यहाँ पे हेडरेस्ट जो है वो दोस्तों देखने को मिलता है। जो ड्राइवर साइड सीट है यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट करने का भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, सिंपल आपको सीट्स मिलती हैं, और कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो फैब्रिक है वो दिया गया है। ड्राइवर के राइट हैंड साइड में यहीं पर आपको मिलता है एक बटन, जिससे आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल व सीएनजी दोनों पे स्विच कर सकते हैं। मतलब अगर आपका मन है पेट्रोल पे चलाने का तो आप पेट्रोल पे भी चला सकते हैं, और आपका सीएनजी पे चलाने का मन है तो आप यहाँ से सीएनजी पे चला सकते हैं। और ये आपको यहाँ पे मिलता है हेडलाइट लेवलर। कुछ इस तरीके की फिनिशिंग में आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं AC वेंट। दोस्तों ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग है, जो कि आपका फिक्स्ड स्टेयरिंग है, कोई भी यहाँ पे आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, और नीचे आप देख सकते हैं ड्यूअल टोन फिनिशिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर मिलती है MID डिस्प्ले, जिसके अंदर आपको कोई भी RPM मीटर जो है वो नहीं मिलता है, और सिर्फ आपको यहाँ पे दिया गया है स्पीडोमीटर, और नीचे आपको एक दी गई है डिजिटल डिस्प्ले, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल कितना है। पेट्रोल के जो सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं और CNG के सेल्स हैं राइट साइड पे, और यहीं पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितना टाइम हो रखा है, ट्रिप ए में आपकी गाड़ी कितनी चली है, ट्रिप बी में कितनी चली है, क्या रेंज बची है और क्या एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये गाड़ी आपको यहाँ पे दिखाती है। तो एक बार मैं आपको
इग्निशन ऑन करके भी दिखाता हूँ कि इंजन की कितनी साउंड जो है वो अंदर की तरफ आती है। तो अभी गाड़ी यहाँ पे इग्निशन ऑन हो चुका है, और इग्निशन ऑन होने के साथ साथ आप एक चीज देख सकते हैं दोस्तों कि पेट्रोल पे भी गाड़ी है। जैसे ये सीएनजी पाएगी तो जो सीएनजी का ऑप्शन है वो ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। तो अभी सीएनजी पे यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, और देखते हैं कितनी रेंज जो है वो ये दिखा रही है। अभी रेंज और एवरेज ये नहीं दिखा रही है, टोटल 46 किलोमीटर चल चुकी है। और जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है सीएनजी वेरिएंट के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम का। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलता है, ऑक्स कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको दी गई है, और यूएसबी कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर दो स्पीकर्स मिलते हैं, रेडियो मिलती है, और फिजिकल बटन्स जो है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसके अंदर। नीचे की साइड यहाँ पे आपको दिया गया है मैनुअल एसी, और मैनुअल एसी के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स जो है वो भी दिए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहीं पे आपको नीचे मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और मोबाइल वगैरह रखने के लिए भी स्पेस। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको सीएनजी वेरिएंट मिलता है, और यहाँ सेंटर में आपको दिया गया है एक बॉटल होल्डर, आप इसको बोल सकते हैं, पानी की बोतल आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे दिया गया है इसका हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। और यहीं पर आपको VXI वेरिएंट में दिया गया है डे नाइट रियर व्यू मिरर, जो रात के टाइम काफी हेल्पफुल होता है। ऊपर रूफ में आपको दी गई है हेलोजन लाइट, और को ड्राइवर साइड आपको दिया गया है एक छोटे साइज का वैनिटी मिरर, और फिक्स आपको दिए गए हैं गाड़ी के अंदर गैप हैंडल्स। ड्राइवर साइड सिर्फ आपको टिकट होल्डर का स्पेस जो है वो यहाँ पे दिया गया है। डुअल एयरबैग के साथ गाड़ी आती है यहाँ पे, और दोस्तों ये है इस गाड़ी का एक ग्लोव बॉक्स जो की काफी डिसेंट साइज का है, काफी अच्छी स्टोरेज इसके अंदर है। देखने में तो ये थोड़ा यहाँ से लगता है कि छोटा है, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तब पता चलता है कि ठीक ठाक साइज इसका यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये सभी फीचर्स थे फर्स्ट रो के। अभी सेकंड रो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना स्पेस वहाँ पे है। ये इस गाड़ी का रियर का डोर है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको पावर विंडो का स्विच मिलता है, नीचे आपको बॉटल होल्डर का स्पेस, बट रियर डोर में आपको स्पीकर जो है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और ये है इस गाड़ी की रियर की सीट, यहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, कोई भी सेंटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट इन सीट्स को आप 60-40 स्प्लिट में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो अभी जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट 5'11" है। तो मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि जब मेरी हाइट के सेम बंदे दो आगे पीछे बैठेंगे तो कितना स्पेस यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 इंच का यहाँ पे नी रूम है, और अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी कम है। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह यहाँ पे है, बट ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर किसी की हाइट 5'7" या 5'6" है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने की है। रियर में आपको कोई भी एसी वेंट या चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता है। रियर की सीट पे दो अडल्ट और एक छोटा बच्चा इजीली यहाँ पे कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने की है। रियर सीट पे भी आपको दिए गए हैं फिक्स ग्रैब हैंडल्स, और ऊपर रूफ में आपको कोई भी लाइट जो है रियर सीट पे यहाँ पे नहीं दी गई है। अक्सर करके गाड़ियों में यहाँ पे भी एक लाइट जो है वो होती है। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स थे वैगनआर VXI CNG के। अभी चलते हैं बूट की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा बूट स्पेस जो है वो यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। तो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है सेंट्रो की जगह वैगनआर को प्रेफर करते हैं, वो है इस गाड़ी का बूट स्पेस। कि CNG सिलेंडर होने के बावजूद भी अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो यहाँ पे गाड़ी के अंदर बच जाता है, जिसके अंदर आप अपने कोई भी सामान या बैग वगैरह रख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो मेन प्रेफरेंस होती है लोगों की सेंट्रो ना लेके वैगनआर लेना, वो होता है इस गाड़ी का बूट स्पेस। और दूसरा जो फर्स्ट रो और सेकंड रो के अंदर स्पेस है वो आपको वैगनआर के अंदर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक तो इस गाड़ी की लेंथ अच्छी है, ऊपर से इस गाड़ी का जो बॉक्सी डिज़ाइन है उसकी वजह से इसके अंदर स्पेस जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो रियर में आपको एक काफ़ी बड़े साइज़ की यहाँ पर पार्सल ट्रे जो है वो भी दिखाई देती है, और यहीं पर आपके गाड़ी का स्पेयर व्हील है जो कि सेम प्रोफाइल का है जो और 4 टायर्स हैं, और ये है इस गाड़ी का CNG सिलेंडर। तो अगर आप इस गाड़ी का बूट स्पेस भी बढ़ाना चाहते हैं तो जो सेकंड रो की सीट है उनको 60-40 स्पीड में फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं। अभी भी अगर इसका आइडिया लगाया जाए तो लगभग ये 150 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस यहाँ पे दोस्तों गाड़ी के अंदर बचता है। तो यही सारी चीज़ें थी वैगनआर VXI CNG के अंदर जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में दिखाई। तो अगर ऑन रोड कीमत की बात करी जाए गाजियाबाद यूपी के अंदर, इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत है 7.71 लाख रुपीज़। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 7.25 लाख रुपये इस गाड़ी की आज के टाइम में VXI CNG की ऑन रोड कीमत है। दोस्तों अगर मैं आपकी जगह हूँ और आप मुझसे पूछें कि इस गाड़ी को लें या ना लें, तो मैं तो ये कहूँगा कि आज के टाइम में जो CNG के प्राइस हैं गाजियाबाद के अंदर वो 78 रुपये पर kg CNG हैं। तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप महीने में गाड़ी को चला देते हैं 3000 किलोमीटर के आसपास, यानी कि डेली का 100 किलोमीटर का रन है, तो आप अगर CNG पे जाएं तो ठीक है, वरना इस गाड़ी के अंदर जो सेफ्टी है वो थोड़ी कम है। बट माइलेज अगर मेन कंसर्न है कि रनिंग बहुत ज़्यादा है तब आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा बेहतरीन इंजन आपको सेंट्रो के अंदर
जो है वो मिलता है 4 सिलेंडर इंजन। तो चॉइस आपकी है, मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ बताना। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में यही सब बातें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।